नमस्कार दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए आरएएस 2023 में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जैसा कि आपको पता है कि आरएएस 2023 की परीक्षा सितंबर या अक्टूबर में संभावित है और हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कर लेते हैं क्योंकि समय कम है, तो हम लोग जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी को अगर बहुत डिटेल में सीखना है तो आप हमारे दूसरे पीसीएस के जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे यूपी एमपी यूके, उसमें हम लोग एक चैप्टर को तीन पार्ट में कर रहे हैं, तो आप जाके वहां पे भी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप का है कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा चैप्टर को कवर कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए और आप कम से कम 20 क्वेश्चंस में से 15 से 16 क्वेश्चंस आसानी से हल कर सके और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में बहुत आपको कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेगा। तो हम इसी सब मुद्दों को लेकर आपसे हर एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको टॉपिक कवर करा दें। तो चलिए आज हम लोग लाभ और हानि पे चर्चा करेंगे। तो लाभ और हानि देखिए, जितना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वैसा दैनिक जीवन में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है या फिर बेच रहा होता है। आप हर दिन कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं, या अगर आप विक्रेता होंगे तो बेच भी रहे होंगे। तो इसमें आपको प्रॉफिट लॉस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खास करके जब आप मॉल वगैरह जाते होंगे, वहाँ डिस्काउंट वगैरह देखते होंगे तो थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि क्या आपको उसमें फ़ायदा है या नुकसान है। कई बार होता है बाय थ्री गेट वन, कई बार होता है फ्लैट 70% डिस्काउंट, तो दोनों में क्या अंतर है। इन सब चीज़ों को आप अब समझ जाएंगे बहुत आसान तरीके से, अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं या इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स समझना चाहिए जो बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य, उसके बाद होता है मार्क प्राइस जिसको कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी कहते हैं, उसके बाद होता है डिस्काउंट जिसको हम लोग बट्टा कहते हैं, छूट भी कहते हैं, प्रॉफिट जिसको लाभ कहते हैं, प्रॉफिट का दूसरा नाम है गेन, लॉस का हानि, ठीक है। तो इन सब टर्म्स को पहले सबसे पहले आप समझिए एक एक करके कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य या लागत, इससे साफ पता लग रहा होगा कि खरीदा गया है ना। तो एक ऐसा मूल्य जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। आप याद रखिएगा कि क्रय मूल्य हर व्यक्ति के लिए या हर व्यक्ति के लिए विक्रय मूल्य जरूरी नहीं कि सेम हो। जैसे कि कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो उसके लिए वो क्रय मूल्य है, लेकिन वही व्यक्ति मान लेते किसी से खरीद के लाया होगा तो जो व्यक्ति बेचा होगा तो उसके लिए वो मूल्य विक्रय मूल्य होगा। मतलब क्रय मूल्य जरूरी नहीं कि एक ही मूल्य हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है। बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, इस पे बहुत डिपेंड करता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है कि एक ऐसा मूल्य जिस पे किसी वस्तु को बेचा जाता है या किसी सामान को बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर आप बेच रहे हैं तो आपके लिए विक्रय मूल्य, सामने वाला खरीद रहा है तो वही मूल्य उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब एक ही जो प्राइस है वो किसी व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य होता है और किसी व्यक्ति के लिए विक्रय मूल्य होता है। डिपेंड किस पे करता है कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। तो आप रटिएगा मत कि बस जो एक व्यक्ति मतलब खरीदने वाला हमेशा क्रेता होता है, बेचने वाला हमेशा विक्रय मूल्य हो, उसका मूल्य विक्रय मूल्य होता है, ऐसा नहीं है। वही मूल्य किसी के लिए क्रय मूल्य भी हो जाता है, आप इसको भी समझिएगा। लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, ये क्या होता है। देखिए जब आप दुकान जाते होंगे किसी वस्तु को खरीदने के लिए तो आप एक किसी भी वस्तु पे एक प्रिंट प्राइस होता है, आप देखते होंगे 90 रुपीज या 99 रुपीज लिखा होता है, एक्चुअल में वो होता है मार्क प्राइस जो दुकानदार अंकित कर देता है कि भैया हम इतना पे वस्तु को बेचेंगे।
लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको बोलता है कि आपको हम 15% का डिस्काउंट दे देंगे या हम 10 रुपये आपसे कम ले लेंगे। वो जो 15% है या 10 रुपये है ना, वो वहाँ पे छूट हो गया या बट्टा हो गया या फिर डिस्काउंट हो गया। तो जब डिस्काउंट के बाद जब आप किसी वस्तु को खरीद लेते हैं तो दुकानदार के लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, और जो प्रिंटेड प्राइस था वो क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। मतलब क्या हुआ कि अंकित मूल्य पे अगर डिस्काउंट मिल जाता है तो जो मूल्य होता है वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वही प्राइस पे आपको वस्तु को बेच दिया जाता है, तब याद रखिएगा कि अंकित मूल्य और आपका क्रय मूल्य और दुकानदार का विक्रय मूल्य तीनों समान है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी छूट नहीं मिला है। जब आपको छूट ना मिले तो याद रखिएगा अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तीनों समान हो जाता है। डिपेंड करता है कि किसके लिए विक्रय मूल्य है, किसके लिए क्रय मूल्य है, और अंकित मूल्य तो प्रिंटेड प्राइस है ही, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट। अभी आपको बता दिया कि डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा या छूट। मतलब जब आप किसी वस्तु को खरीदने गए, आपने देखा कि 100 रुपये लिखा हुआ था, दुकानदार बोला कि चलिए हम आपको 10 रुपये छूट दे रहे हैं, मतलब आप इसको 90 में ले जाइए। जब आप 90 में ले आए तो रास्ते में आप सोचे कि क्यों दुकानदार ऐसा बोला। एक्चुअली इसलिए ऐसा बोला क्योंकि वो आपको 10 रुपये का छूट दे रहा था, बट्टा दे रहा था। तो वही होता है डिस्काउंट, कि मार्क प्राइस और खरीदने वाले मूल्य के बीच का जो डिफरेंस होता है या दुकानदार के बेचने वाले मूल्य के बीच जो डिफरेंस होता है वो हमेशा छूट होता है या डिस्काउंट कह सकते हैं इंग्लिश में। गेन प्रॉफिट या लाभ क्या होता है? तो देखिए, प्रॉफिट तब होता है जब आप किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाते हैं और 1 रुपये भी ज्यादा लेकर बेच रहे हो, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। मतलब क्रय मूल्य हमेशा छोटा हो विक्रय मूल्य से तो वहां पे प्रॉफिट होना ही है। मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, तो ऐसे केस में लाभ होता है। मतलब आप खरीद के लाए कम में और बेच रहे हैं ज्यादा में, तो लाभ होगा। उसी का अपोजिट है हानि। मतलब आप 100 में खरीद के 80 रुपये में बेच रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं, 99 में भी बेच रहे हैं, तो वहां पे आपको हानि होगी, क्योंकि वहां पे क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है और विक्रय मूल्य कम हो जाता है। मतलब हानि के केस में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लाभ के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, हानि के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा। बस आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला पे चर्चा करते हैं जो कि काम का है, बाकी आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो आप हमसे सीखिए, तो आपको फॉर्मूला कम यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लाभ बराबर, अगर लाभ की बात करें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। अगर फिर हम हानि की बात करें तो हानि बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। अगर हम लोग फिर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, या फिर विक्रय मूल्य प्लस हानि, इसको जोड़ दीजिएगा हानि के साथ, तो आपका क्रय मूल्य पता लग जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करें बट्टा की, तो इसको कहते हैं मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस, आपके लिए सेलिंग प्राइस। तीसरा है मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा वही सीपी या एमपी प्लस डिस्काउंट, ठीक है। छोटा छोटा फॉर्मूला अभी आपको बता रहे हैं, और कुछ छोटा है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया, तो ये तो आप अभी रुपीस में निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो देखिए, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। हानि जो प्रतिशत होगी वो होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%। क्यों लाभ को क्रय मूल्य पे निकालते हैं? क्योंकि देखिए, कोई वस्तु को आप खरीद के लाते हैं तो उसी पे तो लाभ या हानि कंसिडर होगा ना, या उसी के पे लाभ और हानि आप डिसाइड करेंगे। इसलिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें छूट की, तो डिस्काउंट ये किस पे होगा? मार्क प्राइस पे। बस यहीं पे चेंज हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कंसिडर किया जाता है। अगर हम लोग क्रय मूल्य निकाले लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के केस में, तो ये होता है विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस
लाभ प्रतिशत गुना 100 या विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना 100। उसके बाद अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो ये हो जाता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 या क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, ये हो जाता है। तो आप इन सब फॉर्मूला को याद रखें। अब एक बात बताइए, यहाँ विक्रय मूल्य के नीचे हम 100 प्लस लाभ प्रतिशत क्यों लिखते हैं, आपको ये बता दें तो अगली बार फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा, या आप फॉर्मूला ना भी यूज करेंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे फॉर्मूला। देखिए, क्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिसपे किसी वस्तु को खरीदते हैं, विक्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जिसपे किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो आप याद रखिए, क्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य जिसपे खरीदते हैं और विक्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य जिसपे किसी वस्तु को बेच रहे होते हैं। तो याद रखिए, विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, या तो हानि पे बेचा गया मूल्य है या लाभ पर बेचा गया मूल्य है। अगर लाभ पे बेच रहे हैं तो आप जो लाभ ले रहे हैं उसके साथ 100 जोड़ दीजिए, मतलब वो क्या है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत के मूल्य के बराबर है ना विक्रय मूल्य। तो इसीलिए हम लिखते हैं विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर। तो 100 का मान कितना, मतलब क्रय मूल्य। और अगर वो हानि में बेचा गया है तो विक्रय मूल्य जो है वो 100 माइनस हानि प्रतिशत के बराबर है, तो 100 का मान कितना। अगर विक्रय मूल्य को निकालना हो, क्रय मूल्य दिया गया हो, तो क्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो आप अगर 10% लाभ पे बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा, मतलब क्रय मूल्य का 10% लाभ पे बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य का 110% लाभ पे। और अगर 10% हानि पे बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य के 90% पे आप बेच रहे हैं, तो वही होता है हमारा विक्रय मूल्य। तो आप इस दोनों दो फॉर्मूला को बनाना सीख गए, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसको भी रटना नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप समझ सकते हैं कि डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस ही जो होगा वही तो, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, उसी तरह यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना। तो आप यहाँ पे देखें कि फॉर्मूला आप सीख गए, ये भी फॉर्मूला ही था, ठीक है। हम आपको दो मतलब तरह के फॉर्मूला को बताएं, एक तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है जिसमें कि आप रुपीज में वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे आपको परसेंटेज में, और ये भी कहीं ना कहीं आपको रुपीज में ही निकलेगा लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का रोल था इसलिए आपको अलग से बताया गया। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु का जो लागत मूल्य है मतलब क्रय मूल्य है वो 1287 है और इसे 7.5% के लाभ पर बेचा जाना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए, एक वस्तु है उसका लागत मूल्य 1287 है और उसको 7.5% के लाभ पर बेचा जाना है, तो क्या होगा विक्रय मूल्य। तो देखिए, विक्रय पहले आप लिख दीजिए, कॉस्ट प्राइस है 1287, ठीक है, और यहां पे ना ये विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1287 और इसे 7.5% के लाभ पर बेचा गया है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। आप क्वेश्चन ये समझिए, एक्चुअल में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1287 रुपए है और इसको लाभ पर बेच दिया गया है 7.25% के, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब एक बात समझिए, ये जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस जो है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ना, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस का जो मान होगा वो क्या होगा, 1287 रुपया जो है वो कहीं ना कहीं 100 प्लस 7.5% के बराबर है, तो 100 का मान, यही तो फॉर्मूला भी था। तो हम कहेंगे जो 1287 है ना वो कहीं ना कहीं 107.25 के बराबर है, तो 100 का मान। जब आप इसको कटाएंगे ना तो ये आसानी से कट जाएगा, इसको आप कटा लीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए तो यहाँ भी 100 से गुना हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो देखिए 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 72, 12 × 7 = 84, कितने बार में कटेगा ये, इसको कटा लीजिए, 3 से कटेगा क्या, ये 2 × 1 = 3, 8 × 11 = 7, 8 × 7 = 15, 2 × 7 = 14, 15 पहले 3 से कटाते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 5 × 15 = 2, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, है ना, फिर कटेगा क्या, 9 × 2 = 11, 4 × 15, 3 से कटेगा ये, 143 बार में, फिर 3 से कटेगा, तो 12 × 36 = 11, 3 × 33 = 2, अच्छा अब ये 3 से नहीं कटेगा, 7 × 5 = 12, 5 × 17 = 3, 20, ये 3 से नहीं कटेगा,
इसको रहने दीजिए, ये 429 ही रहेगा, ठीक है। इसको 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10, ठीक है ना, 200 बार में, 2000 बार में, 5 सत्ते 35, 5 एक 5 दो, 715 बार में, और कटाइए इसको 5 बार में, 5 चौके 20 तो 400 बार में, 5 से 14 पंचे 143 बार में, ये 3 बार में, तो देखिए 4 तीया 1200। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था लेकिन मज़ा आया करने में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1200 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1200, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 25% अधिक पर सूचीबद्ध करता है और नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक दुकानदार है, वो एक वस्तु को खरीद कर लाया और लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया, ऑब्वियसली करते हैं लोग। उसके बाद वो नकद भुगतान पर 10% की छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट देगा, तो लाभ प्रतिशत उसको फिर भी तो हो रहा होगा, दुकानदार बेवकूफ तो नहीं है। मान लेते दुकानदार 100 रुपये में वस्तु को खरीद के लाया और मार्क कर दिया 25% अधिक, मतलब 125 रुपये, ये तो आप कर ही लेंगे ना। 25% अधिक का मतलब 100 का 125%। उसके बाद क्या हुआ कि 10% का छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है, तो 125 के 90% पे बेच रहा है ना, 10% डिस्काउंट देने का मतलब उस मूल्य का 90% चार्ज कर रहा है। कटा दीजिए, देखिए 5 × 9 45, 4 बार नंबर 78 से 4 112, मतलब 112.5 रुपये में वस्तु को वो बेच रहा है। तो देखिए अभी भी उसको लाभ नहीं हो रहा है, आपको कितना हो रहा है, 12.5 रुपये का अभी भी लाभ हो रहा है उसको। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना होना, और अगर क्रय मूल्य 100 रुपये दिया हो तो लाभ और लाभ प्रतिशत बराबर ही हो जाता है, क्यों, क्योंकि बेस 100 है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है, तो हम कहेंगे कि 12.5% का यहाँ पे उसको लाभ प्रतिशत है। तरुण ने एक वस्तु को 9240 में बेचा और उसे 30% की हानि हुई, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए था। तरुण जो है ना, एक वस्तु को खरीद कर लाया किसी मूल्य पे और उसने बेचा है 9240 में, 9240 में बेचा, तो पाया कि उसे 30% की हानि हो गई। अब वो चाह रहा है कि अगर 25% का लाभ लेना होता तो वस्तु को किस कीमत पे बेचना होता, तो पहले तो क्रय मूल्य पता लगे, तभी तो आप 30% का लाभ लेने के लिए या 25% का लाभ लेने के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस है इसका 9240, इसको हानि हुई 30% की, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 9240 जो है वो कहीं ना कहीं 70% के बराबर है ना, 70% का मान है ना ये, क्योंकि हानि है, तो 100% का मान निकालिए। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 14, मतलब वो खरीद के लाया था 13200 में और बेचा है 9200 में। अब उसको चाहिए 25% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगा, देखिए 1 था ये, अब लाभ पे बेचने के लिए उसको 13200 का 125% चाहिए, उसको चाहिए ना, तो देखिए 5 से कट जाएगा कितना, 25 बार में, 5 से 20 बार में 0 0 कट गया, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 660 × 25, 66 × 25 करेंगे तो देखिए 25 × 6 = 150, अब 25 × 6 = 150, 056, तो कितना हो जाएगा 16500 रुपये में अगर वस्तु को बेच देता तरुण तो उसको 25% का लाभ मिल जाता, तो मेरा आंसर हो जाएगा 16500। देखिए अब आपको ट्रिक बताते हैं, इसको अगर जल्दी करना होता तो, देखिए 9240 जो है वो कहीं ना कहीं 70% का मान है ना, ठीक है भाई, 70% का मान है ना, 30% की हानि पे बेचा है, अब उसको चाहिए 25% का लाभ, तो उसको 125% का मान चाहिए था, आंसर हो गया बस इतना ही। देखिए 7 से ये 924 कितने बार में कटता है, 132, और 132 को 25 से गुना कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 125 × 2 कितना होता है, 250, 125 × 3 कितना होता है, 375, और 125 × 1 कितना होता है, 125, देखिए 0 5 5 10 कितना, 6 7 6 13 2 1 15 3 2 5 1 6, देखिए आ गया ना 16500 था ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो इसमें क्या हुआ आपको, देखिए एक लाइन में आपने निकाल लिया, आपको समय लगा कितने सेकंड लगा होगा, मुश्किल से 20 सेकंड, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधी यही कर लेते कि 9240 70% के बराबर है तो हमको 125% का मान चाहिए था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम
लगातार दो छूट मिलने के बाद एक आदमी को 15,504 पर एक मोबाइल मिला जिसका अंकित मूल्य 24,000 है। यदि दूसरी छूट 24% है तो पहली छूट ज्ञात करें। देखिए, लगातार दो छूट मिलने के बाद एक व्यक्ति को 15,504 पर एक मोबाइल मिला, मतलब उसको मोबाइल कितने का मिला है, 15,504 के बाद, दो छूट के बाद, है ना। दो छूट के बाद का मूल्य है ये, अंकित मूल्य 24,000 है। तो देखिए 24,000 है अंकित मूल्य, दूसरा छूट है 24%, तो मतलब 76% पे मिला। मान लेते हैं पहला छूट की जगह हम इसको पहला छूट, पहला दूसरा उससे लेना देना नहीं है, तो पहला छूट गया होगा। तो देखिए हम ऑप्शन से बनाएंगे, अगर मान लेते पहला छूट हम 15% माने तो 85% पे मिल जाता इसको। अगर इसको करने के बाद 15,504 आ जाए तो हम समझ जाएंगे मेरा आंसर सही है। करिए इसको सॉल्व, 2020 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 2 × 5 = 10, 2 × 12, 5 × 17, देखिए 7 × 6 = 42 और गुना 2, देखिए 7 × 6 = 42 × 2, तो यहाँ पे आंसर लास्ट में 8 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन में 8 होगा, तो ये नहीं होगा। देखिए सब ट्रिक है, इसको हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे 24,000, अगर पहला छूट 18 ले तो 72% पे मिलेगा 82 पे, है ना, 82 × 1800 होता है, और फिर 76/100। सॉल्व कीजिए, 2020 कैंसिल, 1010 कैंसिल। अब देखिए इसमें डेसिमल में आने का मामला फंस रहा है ना, देखिए 4 × 2 = 8, 6 = 48, कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन ले, 24,000 × 80/100 अगुना 76/100, सॉल्व कीजिए, देखिए 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, ये 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, 48 बार में, देखिए 8 × 4 = 32 और 6 × 12, इससे चांसेस भी नहीं है। देखिए 8 × 4 = 32 होता है और 6 × 6 = 12, लास्ट में फिर 2 आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में एक ऑप्शन दिया है, वही हो जाएगा। तो देखिए 24,000 × 78/100 अगुना 76/100, लेकिन इससे भी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 × 6 = 48 हो जाएगा, तो ये भी डेसिमल में आएगा, लेकिन एक बार कर लेते हैं, 2020 कैंसिल या 1010 कैंसिल, 2 × 5 = 10, 8 × 4 = 32 × 6, 6 × 12, इसमें भी डेसिमल में आएगा, तो कोई एक ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है क्या, या तो 15% या 20% से होना चाहिए। एक बार दोबारा चेक कीजिए, 24,000 × 85/100 अगुना 76/100 से तो हो जाना चाहिए, तब 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 12, 5 × 17, 7 × 6 = 42, 4 × 2 = 8, एक बार गुना कर लेते हैं ना, 17 × 12 कितना हो जाएगा, 17 × 2 = 34, 17 × 17 तो 4 × 7 = 10, 204, 204 × 76 करें, 4 × 6 = 24, अच्छा हाँ आ जाएगा, देखिए 6 × 12, 7 × 4 = 28, 2 × 2 = 7, 14, 4 × 8 = 10, 2 × 2 = 5, 15,504 आ गया था। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया बेवजह, पर चलिए कोई बात नहीं, सीख लिया आप। तो हम कहेंगे कि पहला छूट यहाँ पे 15% ही है, क्योंकि 15% ऑप्शन से रखने के बाद मेरा आंसर आ जा रहा है। एक निश्चित राशि पर 25% की छूट और 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का जो अंतर है वो है 4/5, तो वस्तु की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक निश्चित राशि पे 25% का छूट दिया गया और 10% 20% छूट देने पे क्रमिक पे दोनों के बीच का जो अंतर है वो 405 है। तो मान लेते हैं कि माना जो वस्तु की राशि है ना वो 100 रुपये रही होगी, ऐसा सोच लीजिए, तो मान लेते हैं कि 25% की छूट देने पे कितना मिलेगा, 25% की एक छूट पर वस्तु कितने में मिलेगी, तो 100 का 75%, मतलब केवल 75 रुपये में मिल गया, और दो क्रमिक छूट के बाद कितने पे मिलेगी, तो देखिए 100 का 90 और 80, मतलब 72 रुपये में मिलेगा, है ना। देखिए 00 सब कैंसिल हो जाएगा, 9 × 72। अब यही बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 405, तो 75 - 72 का जो डिफरेंस है वो है 405, मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस है 405, 1 यूनिट का डिफरेंस है 105, आपने 100 माना था तो 100 यूनिट का मान है 105 × 100,
मतलब 10,500, मतलब उस वस्तु की जो राशि है वो कहीं ना कहीं 10,500 के बराबर है। एक बल्ले और एक गेंद का जो अंकित मूल्य है वो है 5:3 के अनुपात में। दुकानदार बल्ले पर 25% की छूट देता है, यदि बल्ले और गेंद पर कुल छूट 40% है तो गेंद पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बैट है और बॉल है, दोनों के मूल्य का अनुपात है अंकित मूल्य का 5:3। हम ऐसे अभी थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि इसका मूल्य 5:3 ना होके बैट का मूल्य यहां पे 500 हो जाए और बॉल का मूल्य यहां पे 300 हो जाए। टोटल जो मूल्य है वो है 500 + 300, मतलब दुकानदार 800 में खरीद के लाया। और अगर कुल छूट 40% है तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो बेचा होगा दुकानदार कितने पे बेचेगा, अगर कुल छूट देता वो 40% का तो कहीं ना कहीं 480 रुपये में वो बेच देता, है ना। 40% छूट देने का मतलब 60% पे बेचता, 480 में बेचता। अब बल्ले पर 25% की छूट है तो बल्ले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बल्ले का सेलिंग प्राइस, देखिए 500 के 75% निकाल देंगे क्योंकि 25% का छूट है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको 100 ऐसे कटा लेते हैं ना, तो 75 × 5 डायरेक्ट करिए, ऐसा करते हैं, इसको लिखेंगे 500 का 75%, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 375 के बराबर। तो 375 अभी उसके पास आ गया, उसको चाहिए था 480, तो बल्ले तो बॉल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा गेंद का, तो देखिए 480 में 375 घटा दीजिए, मतलब इतना रुपया उसको और चाहिए, 105 रुपये चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा बॉल लाया है वो 300 में, मतलब मार्क किया है 300 में, 105 में वो बेच दे तो कितने का छूट हो जाएगा बॉल पे, तो देखिए 300 में 105 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 195, 195 का छूट चाहिए 300 रुपये में, तो 100 पे कितना, तो देखिए 3×6 = 18, 3×5 मतलब 65% का छूट किस पे देना पड़ेगा, गेंद पे, तब जाके उसको ओवरऑल 40% का छूट देना पड़ेगा। 21 बोतलें 850 में बेचने पर 4 बोतलों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक बोतल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखिएगा कि 21 बोतल को बेचने पर, तो बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, मान लीजिए सेलिंग प्राइस 2100, 4 मूल्य लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का मतलब लॉस, इंग्लिश में लॉस कितना हो गया 4। अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस 2100, लॉस 4 हो तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए 21 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा ठीक है, यह दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आना है कि 21 बोतल को 850 में बेचने पर 4 बोतल के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो याद रखिएगा इसका सीधा सा फॉर्मेट है, जितना में उसको बेचा गया उसको ऊपर रखिए, और अगर हानि हुई है तो दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, 21 - 4 कर दीजिए, तो बस आपका आंसर हो जाएगा 850 / 17, 17×5 = 85, मतलब 50 रुपये। तो एक बोतल को जो लागत मूल्य था ना वो 50 रुपये था, तभी देखिए आप उसको 21 बोतल को 850 में बेचेंगे तो हानि ही होगा, क्योंकि लगभग ये 40 रुपये के करीब आएगा, 21×84, लाया था 50 में, खरीदा बेचा लगभग 40 रुपये में। तो इसका फॉर्मेट क्या, सीधा सीधी जो दिया रहता है मूल्य उसमें 21 बोतल 4 बोतल जो भी बोतल हो, गेंद हो, बल्ला हो, कुछ भी हो, उसको डिफरेंस कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 50 किलोग्राम गेहूं को 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, अन्य किस्म के 60 किलोग्राम गेहूं को 25 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और मिश्रण को 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए 50 किलोग्राम गेहूं 24 रुपये में खरीदा प्रति किलोग्राम, तो 50 × 24 कॉस्ट प्राइस खरीदा है ना, प्लस 60 किलोग्राम गेहूं 25 रुपये में खरीदा है प्रति किलोग्राम, तो देखिए 1200, अब 25 × 6 = 5×6 = 6 × 12 = 15, 1500, मतलब 2700 रुपये में उसने गेहूं को खरीद के लाया, बेचा कितने में, सारे गेहूं को 2700 रुपये किलोग्राम में बेच दिया, गेहूं कितना था 50 और 60 110, तो देखिए 11 × 7 = 77, 11 × 22 = 29,
2970 रुपये में बेचा है तो उसको लाभ ही होगा ना भाई। 2970 माइनस 2700 मतलब 270 रुपये का लाभ उसको हो गया। 270 का जो लाभ हुआ है कितने पे हुआ है? 270 का लाभ हुआ उसको 2700 रुपये में, तो 100 का मान कितना? 100%, 10 और 10 नहीं 100, मतलब उसको 10% का ओवरऑल लाभ हो रहा है। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर। इस तरह हम लोग आज लाभ और हानि के क्वेश्चंस को खत्म कर लिए, चैप्टर को भी खत्म कर लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे वीडियो पे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सेशन को देखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है तो आप हमें जरूर बताएं कि आपकी परीक्षा कैसी, मतलब आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और हमारे साथ एग्जाम तक एटलीस्ट जुड़े रहें और सभी को बताएं, और जिसके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं उस तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाएं। टेलीग्राम चैनल से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।